कल ही इम्पोर्ट किया इसको, बाहर से आया और ये 11 महीने का है हमारा फ्रेंच बुलडॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज हमारे दिन की शुरुआत थोड़ी डिफरेंट हुई है। हम सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे बिकॉज हमने कहीं जाना था, तो 9 बजे के घर से निकले हुए हम। बजे हैं लगभग 10:30, हम पहुंच गए हैं घर वापस। पार्क में ग्राउंड लगा के वापस जाने लगे। तो पहली बात तो ये अच्छा लगा कि अभी भी हम पुराने रूटीन पे तैयार हो जाते हैं। ए हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, रेडी भी हो गए, ब्रेकफास्ट भी कर लिया टाइम पे और पहुंच भी गए जहां जाना था। इंडिया तीसरा वनडे जीत गई है, पहले दो हार गई थी, सीरीज तो हार गई थी, पर तीसरा जीत गई। मॉरल बूस्टिंग के लिए अच्छा, मॉरल बूस्ट हो गया, नर्सरी की तैयारी शुरू हो गई है, मैचिंग पहन लिया ग्रीन, और जहाँ जा रहे हैं बता दो कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मेरा वेलवेट का वो सूट लेने के लिए जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने एनिवर्सरी के लिए लिया। तो बुटीक से कॉल आ गई है, वो टाइमली सेल गया, अभी वी हैव 2 days फॉर आवर एनिवर्सरी, तो लेने जा रहे हैं। और जहाँ पे वो बुटीक है वो हमारे एक्चुअली नानके के पास है, तो नानके घर भी विजिट करके आएंगे, थोड़ी मस्ती करते हैं वहाँ पे भी। तो लेट्स गो, नान का फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, इसका नाम है बादशाह, फ्रेंच बुलडॉग, और ग्रे कलर का, ग्रे ब्लू कलर का बहुत रेयर कलर है फ्रेंच बुलडॉग में। ये दिल्ली में 4 या 5 ऐसे बुलडॉग्स हैं इस कलर में। कल ही इम्पोर्ट किया इसको, बाहर से आया है, और ये 11 महीने का है हमारा फ्रेंच बुलडॉग। इसका हमने नाम रखा है बादशाह। अभी ये सबसे फ्रेंडली हो रहे हैं, बहुत फ्रेंडली डॉग है वैसे तो। फोटो सेशन चल रहा है इसका, अल्मोड़ा रैबिट है। अच्छा, ये है अल्मोड़ा रैबिट। इधर मुंह कर भाई, इधर से आ जाओ। न्यूजीलैंड से कहाँ से? अच्छा, यूरोपियन कह रहे हैं, यूरोपियन अल्मोड़ा रैबिट। 15,000 कॉस्ट बता रहे हैं ग्रे वाले की, और व्हाइट वाले की 10,000। ये दोनों वही है बाहर के? ये दोनों किसमें और ये इंडियन में फर्क देखो, 3 गुना साइज का फर्क है। ये इंडियन है और ये, अच्छा ये बच्चा है, 4 महीने और बड़ा होगा ये, भी 4 ये बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी 4 महीने का बच्चा है। ये पर्शियन कैट है, ये तो बिल्कुल सही है, ये इधर की तरफ होती है, कोई बात नहीं। करमपुरा साइड से जा रहे थे, रोड पे हमें रोड साइड पे पेट शॉप्स हैं बहुत सारी, आपको पता होगा अगर आप इस एरिया में आए हो तो, हमने देखी वहाँ पे। वहाँ पे जनरली क्या होता है, बर्ड्स वगैरह होती हैं, डॉग्स होते हैं, बट अभी वहाँ उन्होंने पिंजरे पे एक बड़ा सा भालू सा रखा हुआ था। हमने कहा भालू कहाँ से आ गया? हम उतरे, हमने देखा वो भालू नहीं था, वो था अल्मोड़ा रैबिट। पहली बार मैंने देखा है, भालू की तरह लगता है, 4 महीने का था और काफी हेरी था, बहुत बड़ा था। उसकी हमने डिटेल्स वगैरह दी और उनके पास पर्शियन कैट्स भी थी, मुझे वैसे ही एनिमल से काफी प्यार है, तो मैं रुक गया वहाँ पे, सारी डिटेल्स देने लगा, कुछ हमने वीडियो भी बना लिए। कह रहे थे ये दोनों उनके यूरोपियन रैबिट्स हैं और दोनों की हाइट एंड ग्रोथ बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ 4 मंथ्स के थे और देखने में लग रहा था कि वो फुल मैच्योर्ड है। और उनके पिंजरे ऊपर पड़े हुए थे और उनके नीचे जो पिंजरे पड़े हुए थे उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ था इंडियन रैबिट, और इंडियन रैबिट जो था वो इतना बेचारा कमजोर सा लग रहा था देखने में, उनके आगे तो बहुत ही कमजोर लग रहा था, जैसे गैगन ने बताया ना, वो दूर से तो लग रहा था ऐसे भालू होते हैं। और रेट का भी डिफरेंस, इंडियन रैबिट वो कह रहा था 800 रुपए, शायद वो नेगोशिएबल होगा, और ऐसे उसने अल्मोड़ा रैबिट का रेट बताया जो ग्रे वाला था 15,000। कितना डिफरेंस है भाई, ये तो 9 साफी है हमारे इंडियन ब्रीड के साथ, बहुत ज्यादा। तो हमें कुछ डिफरेंस नजर आया तो हमने आज कैप्चर कर लिया, आपके साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरह से पैट्स वगैरह जो है
आजकल उनकी भी न्यू रेंज आई हुई है, बिकॉज मेरे को पर्शियन कैट के बारे में तो पता था कि इंडिया में वो मिलती है, बट ये अल्मोरा रैबिट जो है मेरे को पहली बार पता लगा कि वो भी मिलते हैं। अभी तक मुझे ये पता था कि गिनी पिग्स ही मिलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा रैबिट। ये रैबिट ऐसा है कि इसको अगर कोई मारने के लिए आना बेचारा वही डर जाएगा, ये कौन है, कोई पकड़ने के लिए नहीं जा सकता, पता नहीं इन्होंने पकड़ा कैसे होगा। चलाते रहते बहुत टाइम लग गया था और आज सुबह हमने कहीं जाना था तो अभी तक हम अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए। अब शाम को थोड़ा टाइम मिला है, ऑफिस के काम में ऑलमोस्ट फ्री हो गया हूँ, अब अनबॉक्सिंग करने लगे। तीन पार्सल्स हैं हमारे पास अलग अलग साइज में, छोटा उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो इसको साइज के ऑर्डर में अनबॉक्स करते हैं। अब इसके अंदर है ग्लव्स जो मैंने मंगवाए हैं काम करने के लिए, सर्दियों के दिनों में हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बार बार पानी में हाथ डलते हैं, मैंने ग्लव्स मंगवाए हैं। ये कपड़े धोते टाइम, बर्तन मांजते टाइम, क्लीनिंग के टाइम पे आप इसको पहन सकते हो, अच्छी चीज रहेगी, सर्दियों में हाथ नहीं फटेंगे इससे। नेक्स्ट है जो साइज में ये पार्सल, इसको ओपन करते हैं। जो टैब मंगाया था उसका कवर हमने मंगाया था, उसका कवर है कलरफुल है, कलरफुल है, लेदर लेदर तो नहीं आई थी, प्योर लेदर तो नहीं होगा, नेक्स्ट मिक्स होगा। अब सबसे बड़ा वाला इसको बोलते हैं, इसमें एड्स के लिए चीजें, एड्स से भी छुड़ा हुआ उठेगा तो उसको दिखाएंगे। इसको कहते हैं वैक्यूम पुशअप पुल अप बार, ये आप दरवाजे के चौखट पे नहीं लगा सकते हो या दो दीवारों के बीच में भी लगा सकते हो। ये क्या होगा, वैक्यूम से दोनों दीवारों पे स्टक हो जाएगा, बिल्कुल टाइट और अप टू 80 केजी तक ये वेट आराम से उठा सकते हो। तो हमने अर्ज के लिए मंगाया है, अर्ज इस पे पुल अप्स करेगा तो इससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, हाइट भी लंबी हो जाएगी, हाइट इंक्रीज में भी हेल्प करेगा अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। और अगर 80 केजी तक सच में उठा सकता तो मैं तो इसमें चढ़ सकता हूँ। तो इसके ऊपर पीछे इन्होंने पिक्स दे रखी है और पिक्स के हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। हम यहाँ पे दो पिक्स दिए हैं, इसके बेसिस पे इसको सेट करेंगे। ये गो कार्ट कंपनी है और ये सिलिकॉन मेड होता है तो काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी रहती है इसकी। एक बार अर्ड छूट जाए फिर इसकी सेटिंग करते हैं, देखते हैं कहाँ पे लगाए इसको। और आज के ब्लॉग में तो हमने काफी सारे एनिमल्स दिखा दिए, हमने देखे भी, आपको भी दिखाए। पहले मामा के यहाँ गए तो उनका डॉग बड़ा अच्छा था, फिर हमें रस्ते में एक्सोटिक एनिमल्स मिल गए, इतना बड़ा सा रैबिट मिल गया, तो आज का ब्लॉग तो एनिमल बेस्ड ही हो गया। कुछ अलग ही हो गया आज तो। अब एक और चीज अनबॉक्स करने लगे, कल हमारी एनिवर्सरी भी है तो उसके लिए कुछ मैं लेके आया था, उसको भी अनबॉक्स करते हैं। मनप्रीत को ये फ्रूट केक बहुत पसंद है तो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको खोलते हैं और चाय के साथ खाते हैं। और जब तक चाय बन रही है मैं अपने एडिटिंग भी स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि इस ब्लॉग को जल्दी जल्दी डालते हैं और कल फिर एनिवर्सरी कैसे मनाएंगे देखते हैं। हमें कुछ तो सोचा हुआ, कुछ अभी और प्लान करेंगे। गिफ्ट तो आ गया, इसका सूट रेडी हो गया पूरा, जिसने वो पहनने केक अभी हम काटने लगे हैं और फिर कल देखते हैं क्या करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल कपल बाय नेचर, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और शेयर कर देना।